रहने दीजिए पापा, हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। गुस्सा नहीं होंगे? आपको किसने कहा था हमारे लिए लैपटॉप लाने को? नील भैया को कितने टाइम से एक बाइक चाहिए थी, आपने देखा ना उनका चेहरा कैसे उतर गया था? और मम्मी को भी कितना बुरा लगा, ऊपर से उनको बुआ और दादी दोनों के ताने सुनने पड़ेंगे। पापा सब आपका वेट कर रहे थे कि आप मामा बाद में क्या लेकर आएंगे, पर आप। दादी ना सही कहती है कि ये सब ना मेरी वजह से ही हो रहा है, ना मैं पढ़ाई भी इतनी अच्छी होती और ना ही। पापा आप मेरी बात समझिए, मैं कर लूंगी, आपको मुझ पे इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा आप ही कहते हैं ना कि अब्दुल कलाम इतने गरीब थे फिर भी वो सड़क के लैंप के नीचे बैठ के पढ़ते थे, अगर वो उनकी लगन से इतने बड़े वैज्ञानिक बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकती, बोलिए। पापा हमें भी बहुत बुरा लगता है कि हमारी वजह से दूसरों के दिल टूट जाते हैं। चलिए अब इतना मुंह मत लटकाइए, हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम भी कितने पागल है। अरे हमारे पापा हमारे लिए लैपटॉप लेके आए तो अच्छी बात है ना। देखिए पापा हमने 10th टॉप किया था तो फिर मैं इंटर में टॉप कर ही लूंगी, देखना इस बार भी ना हमारा चेहरा ना अखबार में छपेगा और आप गुप्ता जी के यहाँ से जलेबियां लाओगे और पूरे मोहल्ले में बांटोगे, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। चलो अब मुस्कुराइए,